आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इंडिया के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल्स, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह से उनकी पूजा करते हैं। सर लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहाँ कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब कतरा कौन है। पांडू? अरे नहीं नहीं, पांडू तो गांव गया हुआ है, राजू ने काटी होगी। तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है, हवा है टायर में, पेट्रोल है। ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है, 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम, कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें ये सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन डालने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो। तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओ जय हिंद जय भारत गाइस, कैसे लगे आप लोग हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं और इस और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट में जरूर बताएं एंड वो इसलिए बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें। एंड गाइस आज हम लोगों ने मूवी बनाई है फर्ज मूवी। एंड गाइस मैंने रोल करा है सनी देओल का गाइस, और इन्होंने जिनका रोल करा है उनका नाम नहीं पता। एंड गाइस ऐसी ही मूवी एक्ट आप लोग हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे तो हमें सपोर्ट करें। ये मूवी थी फर्ज,
तो हम लोगों ने अपना फर्ज किया, अब अपना आप अपना फर्ज अदा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको कोई भूल चूक लगती है, आपको वीडियो में कोई गलती नजर आती है, तो आप अपनी इस छोटी बहन की, अपनी इस बेटी की, अपने छोटे भाई की, छोटे बेटे की गलतियां कमेंट में बता सकते हैं। एंड गाइस, अपनी मर्जी से कोई मूवी बनानी हो तो उसकी लिंक भेज दें आप देख के, और हम उसे जरूर बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।